ये है गुड नाइट ग्रीन शक्ति। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे ये वाकई में सही बात है या गलत बात है। ग्रीन शक्ति लो स्मोक कॉइल, क्या लो स्मोक होती है? देखिए, गोदरेज ने इसे प्रेफर किया है, गुड नाइट है और ये ग्रीन जो सिंबल बना है इसके अंदर आप देख रहे हैं, जैसे क्या ग्रीन इसके अंदर स्मोक निकलता है। आज हम इस वीडियो में आपको गुड नाइट के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लैंसिंग इंडिया चैनल। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहली बात करते हैं, गुड नाइट लिखा हुआ है और इधर लिखा है ग्रीन शक्ति लो स्मोक कॉइल। भैया मैं ये बताओ, ये लो स्मोक और ग्रीन शक्ति का मतलब क्या है यहाँ पर? ये इसे ग्रीन शक्ति बोलेंगे आप? चलो मान सकते हैं कि आपने, अच्छा इसके अंदर लिखा है 94% नेचुरल, तो क्या 6% इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं वो बहुत घटिया क्वालिटी के, या फिर केमिकल बेस्ड हैं, या फिर ये हानिकारक हैं? क्या 6% हमारे लिए नुकसान नहीं कर सकता? तो ये मतलब क्या है ये? अब बात करते हैं, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, पीछे लिखा है जहर, खतरा, ये सब 9-5 लिखी हुई है। इसके बाद लिखा है, इसके लिखा है प्रोलिथोन, मच्छर की बत्ती, घरेलू कीटनाशक। एक बार बताइए, क्या प्रोलिथोन थ्रिन क्या नुकसान नहीं करता? इसमें 94% नेचुरल लिखा है और बाद बाकी 6% साइंस बेस्ड इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है। देखिए क्या है ये भैया, अब मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ क्या मैटर है इसका। देखिए मैंने देखा आज साला मैं इनकी पर बात ऐसे पूरा क्या कर रखा है समझ में नहीं आता है, क्या इनकी आब हवा है, कैसे इनका बेस बना हुआ है। देखिए ये मैटर है इनका, देखो ये खोलने का तरीका, देखते हैं लो स्मोक होता है या नहीं। ये है लो स्मोक, क्या चाह रहे हैं भाई आप, क्या करना चाह रहे हैं कंपनी वालों से? मेरा तो मानना ये है, तो लो स्मोक का मतलब क्या होता है? स्मोक ज्यादा नहीं होना। देखिए जैसे सिगरेट पी जा रही है इस तरह से तो स्मोक हो रहा है ये। दोस्तों बस कमेंट कर डालो, बताइए आपको कैसी लगी। बस एक बात कहूँगा कि इसे, बस मुझे पता है, मैं पर्सनल फील करके बताऊँ आपको, मैंने इसे कमरे के अंदर लगाया और लगाने के बाद मैंने सब जगह से बंद किया तो मुझे डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग जैसा महसूस होता है। अब कहें तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी ऐसी, एनजाइटी ऐसी मतलब फील होती है, इस तरह का फील होता है। तो मैंने आज इसका सोचा कि मैं आज आपके सामने इसको दिखा दूँ। खैर देखिए लो स्मोक हो गया, लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना मुझे ये कैसे काम करती है। धन्यवाद दोस्तों।